नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों बात कर लेते हैं सुपर टेट 2018 की, जो कि एग्जाम 2019 में होने जा रहा है। यहां एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, जो लोग एपियर हो रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम किसके ना किसके अलग बात है। दोस्तों ये खबर क्या है, इसको पूरा जानने के लिए आप लगातार मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो अपन बात करते हैं सुपर टेट 2018 की, जो कि 6 जनवरी को प्रस्तावित है। कि संभावना है कि 6 जनवरी को एग्जाम होगा और ये भी संभावना है कि 6 जनवरी को एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 2, 3 और 5 जनवरी को क्लियर हो पाएगा कि एग्जाम 6 को होगा या नहीं होगा। भाई अभी सेंटर्स अलॉट नहीं किए गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि एग्जाम खिसक सकता है। क्योंकि आयोग की तैयारियां पूरी है, तो ये माना जा रहा है कि एग्जाम हो सकता है। तो अभी मेरे लिए भी कहना मुश्किल है एग्जाम का आगे ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन अगर एग्जाम होता है तो ये आप सबको पता है कि ये भर्ती जो है 69,000 टीचर्स के लिए ही है, और करीब करीब इसमें से 49,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जो बची हैं 20,000 सीटें, उन पर अदर कैटेगरीज या अदर लोग जो है आवेदन करेंगे और अपना भाग्य आजमाएंगे। ये सीन अभी तक आपके सामने क्लियर था। अब इसमें एक नई और बात आ रही है कि अभी तक होता क्या था, जो थर्ड ग्रेड यानी कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जब होती थी, तो वहां जो पोस्टिंग मिलती है वो मिलती थी रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई है जस्ट लास्ट वीक, तो वहां एक निर्णय लिया गया कि इसमें से कुछ टीचर्स को जो है पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में दी जाएगी। ऐसा सरकार क्यों कर रही है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जो पोस्टिंग होती है, नगरीय क्षेत्रों में जो पोस्टिंग होती है वो होती है थ्रू प्रमोशन, यानी कि पोस्टिंग होगी ग्रामीण एरिया में थ्रू प्रमोशन या थ्रू ट्रांसफर आपको शहरी क्षेत्र में आने का मौका मिलता है। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट अपन बात करें, जब थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में जाएं, तो 2011 का सन आपको याद होगा, वो केवल 2011 का सन ऐसा है पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में, जब सरकार ने ट्रांसफर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से टीचर्स को शहरी क्षेत्र में लगाया। इस बात को आज 8 साल हो चुके हैं, तो इस बीच काफी सारे टीचर्स रिटायर्ड हो गए और शहरी क्षेत्रों में करीब 6 से 6,500 टीचर्स की वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, जहां नियुक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि हुआ क्या कि ये 6,000 टीचर्स की वैकेंसी रिक्त रहने के कारण सरकारी स्कूलों से जो बच्चे हैं उनका पलायन शुरू हो गया, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो इससे सरकार को काफी नीचा देखना पड़ा है। अब जो उच्च स्तरीय बैठक हुई, इसमें सरकार ने डिसीजन किया है कि ये 69,000 जो टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं, इनमें से क्यों ना 6,000 टीचर्स की नियुक्ति शहरी क्षेत्रों में दे दी जाए। तो दोस्तों जो भी आपका जैक चेक है, वो आप एग्जाम पास पहले कर लें, फिर वो भी लगा लें, ताकि आपको शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग मिल जाए। क्योंकि ऐसा अमूमन होता है, मैं सलाह नहीं दे रहा लेकिन सुझाव दे रहा हूं कि ऐसा होता है, तो आप भी अपनी तैयारी रखें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आप मतलब थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट शहरी क्षेत्र में आ जाएं, ये एक बहुत अच्छा चांस बन रहा है। सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक में इसी पर चर्चा हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपके कमेंट में जवाब दे दूंगा। चैनल पसंद आ रहा है यारो, तो इसको सब्सक्राइब करने में कोई शर्म नहीं है, और आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज लगातार मिलते रहें। क्योंकि यूपी टेट और यूपी से संबंधित हर खबर मैं आपके सामने लगातार प्रेजेंट कर रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपकी तरफ से मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।